बाद मुझे अपनी लुक के बारे में बताएंगे, आपका जो हेयर स्टाइल है? यार ये लुक वाला काम है। ओके दोस्तों, सो ये मेरे साथ खड़े हैं, मेरे पास थोड़े से, ये लास्ट टाइम हमारे शो में आए थे पर समहाउ इनका इंटरव्यू नहीं आया शो में, इस बार दोबारा ही आ रहे हैं और दोबारा इनसे मैं वही सवाल करूंगा इनकी दाढ़ी के बारे में जो इनके मुताबिक इनका स्टाइल है। तो मैं पूछूंगा, कब से दाढ़ी आपकी ऐसी? कल से। से आपका अपना स्टाइल कल से है? किसी को नहीं देखा आपने ये ऐसी दाढ़ी रखे हुए? नहीं, अभी तक तो किसी को नहीं देखा। मैं 11 नंबर का होस्ट है पिछले 6 महीने से। नहीं, मैं क्यों देखूं किसी को, ये मेरा अपना स्टाइल है बस। ठीक है, कुछ नहीं, गुड है, गुड है, गुड है। चलिए अपने फैशन के बारे में बताएं। व्हाट, ये जो आपने पहना, दैट्स वेरी कैजुअल। वेरी कैजुअल, वैसे गिवेंसी की शर्ट है। ठीक है, और सॉफ्ट वुड की जींस। आप यूसीपी में आए हैं, जैसे कि आप यूसीपी में आते हैं ट्रेंडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, गिवेंसी की शर्ट है, लुवेंची की जींस है, आपके जो हाथ में घड़ी है सीधी करके दिखाईगा, राडो और उसके सारे कलर वाले, कब चेंज कर रहे हैं घड़ी? जब नया गिफ्ट मिला। तो गिफ्ट पे रहते हैं? नहीं, मुझे घड़ियों का खास शौक नहीं है। किस चीज़ का शौक है वो बता दें मुझे। कपड़ों का खास। किस तरह के कपड़े? I mean casual wear, I don't like formal something. ठीक है, तो ये casual आपकी नजर में? आज की ड्रेसिंग को रेट करो 1 to 11। 1 to 11 नंबर देने, 11 वजह इसकी खुद बताओ। I'm the best. Obviously, I don't like these things के यार कोई क्या कह रहा है मुझे। I'm the best, जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरे लिए सबसे अच्छा। ठीक है, उधर उधर। I'm the best for me. दोबारा के लिए। I'm the best for me. तो बस ये मैं भी चलो इट वाज दैट टॉक इसको लगा क्या रख ये भी बहुत अच्छे दिखने वाले और अच्छे कपड़े पहनने वाले लड़कों में से आते होंगे। शेरोज, अपनी ड्रेसिंग के बारे में कुछ बताएंगे आप ऑडियंस को, क्योंकि आप अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। अब यही बात है, आपने ये टी शर्ट पहनी है, जीन्स शूज पहने और आप अच्छे लग रहे हैं, और अभी कोई लड़का होगा यही टी शर्ट जीन्स और जूते पहन के वो थोड़ा सा माठा लगेगा। बस ये तो अब दिखने भी है। दिखने भी है, और आपने बॉडी भी बनाई हुई है, ठीक है, जिम शिम जाते हैं, पूरी अपने लुक मेंटेन की है, स्टाइल भी है, मतलब आपकी शर्ट सिलेक्शन भी ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जरा थोड़ी सी फंकी है, लेकिन आपकी एज के साथ जा रही है जी। तो आपको नहीं लगता कि हर लड़के को शर्ट लेने से पहले सोचना चाहिए थोड़ा सा? अब आपने भी शर्ट ही ली है, ठीक है, और वो भी शर्ट ही लेंगे, लेकिन आपकी शर्ट और उनकी शर्ट में इतना फर्क आ जाएगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो बस अब क्वालिटी में नहीं जाते, क्वालिटी में जाना चाहिए। जिम कितना जरूरी है अच्छी ड्रेसिंग करने के लिए? जिम अच्छा बस कर लेते हैं शोल्डर पे लगे और शोल्डर और बाजू के साथ भी हो, तभी ओवरऑल लुक अच्छी लगती है, वरना जितनी मर्जी अच्छे कपड़े पहन लो बुरे लगेंगे। आज की ड्रेसिंग को रेट करो, क्योंकि जब कोई लड़का अच्छा लग रहा होता है तो उससे बात करने का कोई फायदा नहीं ज्यादा, क्योंकि नजर आ रहा है, तो आप बस आप रेट करें और हम आगे चलेंगे। 8/10 नहीं, 11 में 9/11 बस। नाइस टॉकिंग टू यू, अपना ख्याल रखना, कीप लुकिंग गुड जी, थैंक यू। आप अपनी शर्ट के बारे में कुछ बताएंगे मुझे? सर इसके बारे में क्या बताना, बस कूल लगे ना इस पर। बताए ना क्यों इतनी बागानी बागात से भरी हुई शर्ट है? दिल्ली बाग बाग हुआ है, क्या करें, क्यों इतनी खुशियाँ की, खुशी बताओ। खुशी तो नहीं है इतनी, प्रॉब्लम्स टेंशन रहती हैं, वैसे ही नॉर्मल कैजुअल। कैजुअल है, कैजुअल। तो मतलब आपके कॉलर्स भी बड़े हैं, शर्ट भी थोड़ी सी, मतलब समझ नहीं आई मुझे ये शर्ट की। बस यार ऐसी है, क्या करूँ, अपना अपना स्टाइल होता है। अगर इस चीज़ को ये लाइन देनी है तो फिर ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली बताइएगा आपको पसंद है? ऑनेस्टली बताइए। पसंद है। ये कभी कभी होता है ना, इंसान कहता है यार ये शर्ट पकड़ लेता हूँ पुरानी पड़ी, ये पहन लेता हूँ, अगर ये वो सिचुएशन है तो वो भी बता दो, मैं मान लूँगा, कोई मसला नहीं। चले वही सिचुएशन है ना, देखा, पहले आपने कहा अपना अपना स्टाइल है। चलिए हेयर स्टाइल के बारे में, अपना स्टाइल है हर बंदे का, आप जैसे आपका जो है, अब क्या करें, थोड़ी सी बिजली के झटके तो खाए होंगे। हाँ हाँ, मैंने रोज सुबह स्विच में देता हूँ ये, मैं कुछ 600 बार सुन चुका हूँ ये चीज़ करंट वाली, लेकिन पाकिस्तानी आवाम फिर भी बोलेगी क्या करें। एनीवे, कैरी ऑन कैरी ऑन। हाथ खा लिए आपके? हाँ सर, मैं फीस खाने लगा था, आप आगे नहीं तो मैं खाने लगा। खा लो खा लो खा लो खा लो। आज की ड्रेसिंग को रेट करो 1 to 11, आगे तुम्हें बहुत तंग नहीं करेंगे, काफ़ी तंग हो पहले से दुनिया से। अपनी? हाँ अपनी। 3 out of 5। 3 out of 11 दे रहे? 3 out of 5। 3 out of 5, चलो ठीक है, 6 मान लें 11 के हिसाब से। थैंक यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, अपना ख्याल दे दो ये दिन।
नाजरीन ये लास्ट टाइम तीनों फ्रेंड्स हमारे शो पर आई थी और हमने इनसे बात की थी इनके कपड़ों के बारे में और अब ये नहीं आएंगी, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि इनको मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि आप लोग प्लीज़ ये छोड़ दें, लेकिन इन्होंने छोड़ा। क्या वजह है आप लोग क्यों इतनी ज्वेलरी लाइक करते हैं, तीनों इकट्ठे बताएं मुझे। अभी फुटेज पड़ा है हमारे पास पुराना भी, उसमें भी आप, उसमें हमने कहा था आप सालगिरह पर आए हैं तो इसलिए आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें पहनी। आज की सालगिरह मतलब ये हर वक्त सालगिरह में रहती नाजरे। माशाल्लाह हमारी हर वीक में कोई ना कोई पार्टी होती है। गुड है, गुड है। तो आज भी पार्टी है? नहीं, आज तो रूटीन है ना। नहीं तो आप लोग इतने ब्राइट कलर्स हो, इतनी ब्राइट, आज क्या मतलब ब्राइट कलर? तो क्या हम यंग है, हमने ब्राइट ही पहने, हमने क्या बुड्ढों वाले कपड़े पहने हैं? गुड है, गुड है नाजरे। एनीवे आप देख सकते हैं कि अभी भी वही है जहाँ हमने इनको छोड़ा था लास्ट टाइम। आई होप कि अगली बार जब मेरा बच्चा आएगा यहाँ, मेरा बेटा शो करने, तब तक ये थोड़ा इम्प्रूव कर चुके होंगे। एनीवे जी गुड लक, आप इम्प्रूव्ड हैं? चलिए बताएं क्या इम्प्रूवमेंट थी पिछले से और अब तक? हम इम्प्रूव्ड ही हैं। अच्छा, तो ये बाकी लड़कियाँ जो थोड़ी अच्छी लग रही है वो आपकी नज़र में सही नहीं है? ठीक है नाजरीन, आप लोगों की भी नजर ठीक है, इसका मतलब मैं सबको अच्छा लगता है। एनीवे इट वॉज नाइस टॉकिंग जी, गुड लक इम्प्रूवमेंट के लिए। क्या नाम है आपका? अना। अना तो आपको लग रहा है माइक लेके खेला घर से निकला? ओके जी चले जाए कोई बात। नाजरीन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाए लड़कियां क्यों डरती हैं हमसे या टीवी से। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान अजहर। उस्मान अजहर किस कोर्स में आप? BS ऑनर्स कर रहा हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके अलावा क्या शौक है आपके? इसके अलावा मुझे मॉडलिंग करने का बहुत शौक है। ठीक है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग, शुरू से बचपन से मतलब इंटरटेनमेंट में काफी शामिल होने का मेरा दिल करता था कि यार मैं भी मॉडल बनूं एज एन एक्टर, वो भी बनने का शौक था साथ में। एक्टिंग करके दिखाओगे मैं थोड़ी सी? एक्टिंग करके यार कोई भी अपना फेवरेट सा सीन डायलॉग बोल दो। यार मैं ये नहीं चाहता कि कोई कहे यार ये शाहरुख जैसा है, ये आमिर जैसा है, मैं चाहता हूँ लोग कहें कि यार वो देख आमिर उस्मान जैसी एक्टिंग कर रहे हैं। वॉक करके दिखाओगे मुझे? हम म्यूजिक चला देंगे वहाँ से, पाँच छः कदम से आओ। ठीक है, रेडी जाए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाजी ने आपने देखा है कि उन्होंने वॉक के साथ लुक्स भी दी हैं और ये टैलेंट है इनमें माशाल्लाह, नो डाउट। अच्छा चलो, मॉडल अब बनना है तो उसके लिए मुझे बताओ कि आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप वैसे ही लड़कों को अपने दोस्तों को लगो कि यार ये तो बंदा मॉडल है। हेयर स्टाइल क्यों आपका ऐसा? एक्चुअली अभी यार आप तो जानते हो स्टडी का कितना प्रेशर होता है। नहीं मैं जानता हूँ, ये प्रेशर से तो खड़े हुए हैं, इसी वजह से तो ये हार है। बस इंशाल्लाह तो तुम्हारे क्यों नहीं खड़े यार? बस तो जा कर रहे हो, खड़े तो जाओ बस वो आप, अच्छा आप भी प्रेशर करी जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों करूँगा प्रेशर, मेरे भाई हो तो बताओ। बस मॉडलिंग इसी वजह से। तो बाल क्यों ऐसे हैं? ये देखो ना छत्ता सा अजीब सा। हाँ बस इसकी मतलब उसको शॉर्ट हेयर स्टाइल करो। ठीक है, शर्टें थोड़ी सी बहुत, जिम शिम नहीं जा रहे? एक्चुअली यार टी शर्ट यहाँ पे हमें क्लास में पहने नहीं देते। तो जिम का टी शर्ट से जिम, क्या जिम में जाता हूँ, जिम स्टार्ट कर दिया मैंने। दिखाओ दिखाओ सबके सामने यार, मैं नंगा होने के लिए थोड़ी क्या बाजू दिखाना था, इसलिए ये है। नहीं यार अभी तो स्टार्ट किया ना। चलो स्टार्ट किया। आज की ड्रेसिंग को कहाँ रेट करोगे एज अ मॉडल? एज ए मॉडल व्हाट? चलो पढ़ने आए हो ना, अपनी ड्रेसिंग को कहाँ देखते हो एक से लेके ग्यारह तक? यार ड्रेसिंग यही होनी चाहिए, बंदा अगर स्टडी करने आया तो टाई और शर्ट और मतलब फिटेड जीन्स वगैरह आपके साथ। इस तरह नंबर दो फिर ड्रेसिंग को एक से लेके ग्यारह तक। किस चीज़ का? अपनी ड्रेसिंग को। यार ड्रेसिंग का मेरा आप कह सकते हो 10 में से 6 7। चलो ठीक है। अच्छा मेरे लिए दोबारा तुम्हें वॉक करते हुए जाना है। ठीक है चलो okay. जाओ हम देख रहे हैं तुम्हें, जाओ उधर और टर्न करना जाके, जाओ इधर से जाओ। देखिए नाजरीन टर्न। Oh yes baby. Hazreen dekhiye, thank you ji.